हेलो गाइस, हेलो हेलो गाइस। हाँ, पूजा पूजा हो गई आज सुबह 10 बजे उठ गया था मैं, और 10:30-11 बजे से पूजा थी, अभी जस्ट 12 बजे हैं। काफी धार्मिक बंदा 1.5 घंटे रहा मैं। आई बिलीव इन सनातन धर्म। और ये देखो यार, ये क्या हो गया, सनातनी लड़के के देश का सनातनी युवा। तो हर्ष कल चला गया था, पापा एक बार मुझे छोड़ के आएंगे नोएडा तक। पहले मैं सोच रहा था कैब करके चला जाऊं, फिर पापा ने कहा कि मैं ही छोड़ के आ जा रहा। मैं ठीक है, ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मेरे याद आया कि हमारी इस वाली गाड़ी में फ्लैट का स्टिकर पड़ा, वो स्टिकर अच्छा हुआ, याद आ गया। वो स्टिकर देके ही हमारी जो है सिक्योरिटी मनी वापस मिलेगी। तो आज जाते ही बहुत सारे काम है, अभी हर्ष वाली वीडियो भी चल रही होगी, उसके बाद विकांशु आएगा, एक और वीडियो हम लोगों को करनी है, जो कि मैं 3 दिन से घर पे सिर्फ खा रहा हूं, सो रहा हूं, खा रहा हूं, सो रहा हूं, और कोई काम नहीं। मेरे घर वालों को लग रहा है कि मैं बिल्कुल कोई काम नहीं करता, हमारे के भी खत्ता सुत्ता रहा हूं। भाई कैसे बताऊं कि मैं हॉलीडे में। तो गाइस, प्लान में थोड़ा चेंज है, पापा छोड़ने नहीं जा रहे तो मैंने कैब करी है यहीं से। हां, मुझे फंडनगर में ऊबर चलती है, अंदर नहीं चलती पर इंटरसिटी चले, और हमारे ड्राइवर का नाम है बोविंदर, मिस्टर बॉब, बॉब द बिल्डर बोविंदर, यहीं बाहर ही है, दिखेंगे। तो बस पहुंच रहा है। Finally, I'm home. Second home. उतार के गए थे बेडशीट, अभी आके देखा मैंने, वो वाली दुल्हन ही नहीं थी, तो अब गर्मियों वाली बेडशीट ही बिछानी पड़ेगी। बहुत गरीब है यार, हमारे पास सर्दियों वाली एक ही है, वो भी बेचारी खिसक खिसक के बेड से उतरी रहे, उसके मजे नहीं ले पाते यार। ढाका 1-2 दिन में यहाँ इनकी रेल बनाने वाला, चैन से जोड़ गए थे। ट्रेन पता, बेल्ट तो रख रखी हुई, सिंगवा के सारी यहाँ, और ये सारा सामान डाल रखा था टेबल पे, बेल्ट वेल्ट निकाल ली, और जिस थैले में जो कपड़ा आ जाए ना पहनने के बाद भी उसी थैले में डाल दे वापस। इसे खुद ही नहीं पता क्या क्या इसके पास क्या होगा, क्या नए वाले जो सबसे बचा के रखनी चाहिए चीज, वो कहाँ रख रही है। पासपोर्ट अपना यही नीचे बिल्कुल, वहाँ जहाँ ट्रेमर का डब्बा ना, वहाँ पासपोर्ट रख रखा इसने अपना। ये तो मिलने के भी नहीं सही टाइम आने पे, यो बैग नहीं रखता कहीं भी, ये लैपटॉप का बैग सदा यही रखा रहे, गाड़ी के कागज इसमें पड़े, और गाड़ी ठाउ फिर हो जा। मां की दिन कोई पुलिस वाला चांटी देगा पकड़ के। वही है, जूते ड्राई क्लीन करवाने गया था, जूते लाया नहीं। 7200 रुपए में यो न्यू बैलेंस के जूते लाया, पहले मुझे दिखाए, मैं कह दिया, मैं कह 7200 जितने तो नहीं है, कह रहा मुझे ऐसे ही चाहिए थे, फिर बग्गे को दिखाए, बग्गे ऐसे तो मैं पता नहीं क्यों क्या क्या ले लेता इतने में, तो मुझे व्हाइट ही चाहिए थे, फिर तुझे दिखाए होंगे, तुमने भी यूं कह दिया एवरेज ही है। मेरे से तो जिस दिन ले रहा था ना, उस दिन ही लिख दिया मगर ठीक ठाक है, फिर इसके दिमाग में चढ़ जाता। ढाका का एक हिसाब है, इसे कोई चीज ना मान लो बहुत सुंदर चीज तू दिखा दे 500 में, और एक बिल्कुल ही एवरेज सी चीज 5000 में दिखा देगा ना, 5000 की ठाला होगा, यू सोच के कि सोसाइटी में थोड़ा नाम होगा कि महंगी चीज लेके फिर रहा, तो महंगी चीज को अच्छी मानने। और ये कवर जब तो जिस दिन लावे, जब तो हमारे छोड़ो में देते हैं, क्या लाया है लाया, अभी ना लगा के भी नहीं घूम रहा। 4 दिन से मुझे कह रहा मैं स्क्रिप्ट लिखने लग रहा, 3 ही पेज लिख रहे, आज मैं आया ना, मुझे मैंने इसे घर से फोन करा, स्क्रिप्ट कितनी होगी तेरी वीडियो की, कह रहा बस 1 घंटे में शूट करने जा रहा, मैं यही आ गया 2 घंटे बाद, बस जब मैं कुछ बात करनी शुरू हुई तो यूं क्या मुझे स्क्रिप्ट लिखन दे, बस 2 बार तो मुझे सुना ली इसने, 1 बार तो सुना ली ये है नहीं, अभी कोई जहाँ मुझे सुनाई थी इसने बस वहीं तक ही है अभी तक। अभी मैंने अपने वाली बेडशीट धुलने डाल ली, तो हर्ष को दिख गया कि हमारी भी गंदी हो रही, तो डाल दी, अगर हम ना देते ना तो हर्ष और भी 50 दिन, मतलब इस अगर मैं चाहूँ मैं हर सेकंड इसका पे बना सकूँ, अगर मैं अभी अपनी वाली चादर पे सो जाता ना, मैं ओहो हो क्या मजा है, तो हर्ष भी देवे नहीं था। हमने तो 2 वीडियो भी लिख ली अपनी दोनों शूट, इसे अजय भैया ने इन्हें बताया कि रिफाइंड बहुत अच्छा हो, खा लिया करो, ऐसे ना पेलम पेल कर रखी, आज आंटी ने कह के भेजा था कि भाई रिफाइंड अगर वो यूज कर रहा हो उसे दे के भेज दो, रिफाइंड में कुछ मत खाया करो, देसी घी में कराया करो, आज बता रहा, तो आज सारे वो डिसएडवांटेज देख लिए उसके रिफाइंड के, घुटने खत्म ही हो जाएंगे यार। रिफाइंड घर पे भी नहीं होता, सरसों का तेल हो या हमारे यहाँ को कभी नहीं देखा मैंने, कभी मुझे भी यही आकर पता चला कि रिफाइंड भी कोई चीज, मुझे वो नहीं पता कि सरसों का तेल ना एक तो पकाया भी जाओ उसे, पता नहीं क्यों पका हुआ है, ये नहीं समझ आता, शायद स्मेल आवे उसमें से, इसलिए नहीं तो सरसों का तेल और संडे का ठीक है, और घी यूज हो बस, ऑलिव ऑयल भी हमारे यहाँ तो कोई यूज नहीं, और ऑलिव ऑयल मिल तो जा क्या, तो किसी और नाम से मिलता होगा, लेकिन ये नहीं पता, हाँ किसी और नाम से मिलता होगा भाई, रिफाइंड तो सीधा घुटनों में जाकर रुके, और घुटनों को जाम करे, रिफाइंड खाने वाला नहीं जितना ज्यादा दिन, रिफाइंड खाने वाले को तो दिक्कत ही है। अच्छा यहाँ कैसे चला जाएगा, मान लो यहाँ से खाया तुमने यार, यहाँ से निकल गया, यहाँ कैसे खाया? छोटा पता क्या है, देखी थी छोटे की वीडियो, छोटे को यूं कह दिया जो बहुत ज्यादा ओवर खावे है ना, वो पेट की पे ही चर्बी ज्यादा जमा है, क्योंकि बग्गा उसे थोड़ा साइंस में एक्सप्लेन कर रहा था कि वहाँ पे बोन्स नहीं होती, वो इसलिए जो अगर पेट जावे सबसे पेट पे जाए, सबसे बाद में यहाँ से, हाँ तो क्योंकि बोन्स नहीं होती तो यहाँ पे फैट प्रोटेक्शन के लिए आवे सबसे पहले, छोटा क्या गया इसलिए जाता भाई, खा के पेट में रुक गया तो रुका रह जा, सिद्धि साइंस तो ही है, तो मगर बात तो सही है, क्योंकि तो कहता मैंने छोड़ दिया फास्ट फूड और ये सब, और मोमोज लाया 2 प्लेट एकदम, ठीक है यार मैं प्रेस करने आया था वैसे, तो यहाँ से प्रेस लेने आया था। क्या क्या बता रहा था, उस घर में एक जो एम्प्टी स्पेस है ना बाहर,
एकदम खुला हुआ, उसमें रोज सुबह एक तो 6 बजे तक योग और मेडिटेशन और हाफ एन आवर चले रहेगी वेट एक्सरसाइजेस, वो चलेगी हंसी वाली। वहाँ चैनल किसी का कुछ बने ना बने पर एक आदमी का शरीर बहुत अच्छा खिलेगा। मैं तो सुबह सामने वाले पार्क में हूँ। बड़े भाई जब ए टू जेड से आए थे यार, यहाँ भी ये सोच रहे थे शरीर बनेगा यार, एक्सरसाइज होगी। यहाँ दिक्कत ये आई कि यहाँ ना वो मुझे खुला बड़ा माहौल जहाँ मेरा शरीर पूरा आराम से घूम जा, यहाँ बालकनी में वो गिर जाएगा चल जा। जब यहाँ आए थे पार्क मांगे था भाग भाग। पार्क देखा है तुमने एक साल से? मार रखी एक एक लड़का डेली मार रहा हूँ उल्टी बजा रखी। अरे वहां रुका पड़ेगा कोई है भाई यहाँ तो छज्जों पे? नहीं मैं तो यूं हूँ, वो लेके वो डंबल लेके। मजदूरों की लाइन लगी पेट में अभी जैम तो कच्ची ब्रेड भी दे दो हमारी जान सो। 1 तारीख को ले जा रहा है नगर अगर 3 अच्छा फोन गिरा मैं सोचा नीचे से निकल गया। अरे मैं नहीं यार बहुत कुछ आयो तारे लिए तो कुछ नहीं आयो यार तुम गलत पकड़े जाओगे कभी किसी दिन किसी ने क्रॉप कर दिया पार्टी का। वो कहाँ गया तेरा बैग? क्या? भाई हाँ मैं तो अपने बैग में अपने अपने उसमें पूरा वो बनाऊंगा एक क्या बॉक्सिंग कमरे में कमरे में। और बता कुंडा कहाँ से लाओगा? तेरे पापा ने गिरवाया था वो दिल्ली वाला कुंडा पहले रूम बनते हुए। बाहर टंगेगा मुझे पता है कहाँ टंगेगा कहाँ बताने का भी नहीं खुद ही करके आए करूँ छुपा के टांग लिए एक और से तू भी खाओगे ना? हाँ मैं खाऊंगा। हम तो वही अपना ब्रेड जैम ही नहीं है क्या? यो ब्रेड है बीच में जैम है। मर देगा बिस्कुट खा के। यो भी तो मैदा ही होगी मैदा ही। बता तू कैसा फील करे अपने बारे में? लड़कों की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव फील है लड़कियों की। अब बता अब बता इस तरह जा अगर तू इस टाइम काम चूज कर लेता तो कामयाब हो गया था। निकाल दी अंदर की मन की खत्म है जो तू इन 2 चक्करों में लगा। इस टाइम नशे में हूँ मैं। तो बड़े, बड़े भाई बड़ो बड़ो को लेकर बड़ा बड़े 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 साम्राज्य खत्म हो गए भाई। और तू करके चली जा अब आदमी उसके पीछे सब भूल जा। हाँ मुझे जरा बड़ी जोर से एक विचार आया, मतलब सीरियस है इसे मजाक में मत लिए कहना। जिन्ना मजाक में ली भाई उसके घर का नाश ही हुआ। जैसे वैलेंटाइंस डे है तो मैंने बहुत बार वीडियोस देखी कि लोग मारते पीटते रहे हैं कपल को, पार्क में से भगा दिया, थिएटर में से पीट दिया, किसी को लड़की की इंसल्ट कर दिया, उठक बैठक लगवा रहे। मैं एक चीज बता रहा भले ही कोई ऑफेंड भी हो जाए मैं सीधा सीधा बता रहा इस चीज को। जो आदमी घर से सबसे ज्यादा ठाली है सबसे ज्यादा बेकार है जिसके घर वालों के अंदर डर शर्म नहीं है ना उनके लड़के काम करे कि किसी कपल को पकड़ लिया उठक बैठक लगवा रहे करवा रहे। कोई रिलीजन कोई धर्म या कोई रूल मतलब ये नहीं कहता ठीक है यार, मतलब अगर हम कह रहे कि हमारे कल्चर में नहीं है बट ठीक है हमने क्या हमारे सबसे बड़ा तो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने अलाउ किया लोगों को भाई जो उनका मन करे वो कर सकते हैं वो घूमे फिरे। तो अगर कोई है प्यार में भाई बड़ा मुश्किल है आजकल प्यार को सेलिब्रेट करना, तो अगर कोई इस दिन को सेलिब्रेट कर रहा है कोई बाहर जा रहा खा रहा पी रहा तो एंजॉय कर दो। खा पीरा बाहर जाना ये तो नॉर्मल है डेली लाइफ में रोज हो रही है चीज। 364 दिन तो हो रही है आज के दिन छोड़ के तो उन दिन फिर क्यों नहीं। मतलब एक लड़का अगर एक लड़की को वैलेंटाइन बोल के अपनी बाहर ले जा रहा तो बहुत अच्छी चीज है, उनसे तो बेटर ही है वे साले रेप कर रहे हैरेसमेंट कर रहे छेड़छाड़ मचा रहे। अगर एक लड़की अपनी मर्जी से किसी के साथ जा रही उसे तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो जो इतने ये उल्टे सीधे काम करे ना उठक बैठक लगवाना रेस मार के आओ भगा दे मारे डंडे मारे हमारे कल्चर में ये तो चीजें है ही नहीं है ही नहीं। मतलब जो कल्चर के नाम पे एक रहे ना मैं बता रहा जो सबसे ज्यादा खराब आदमी हो ना जिसके अपने दिमाग में बदबू हो वो कराएगा और जिसे लड़की मिलती नहीं। चल धर्म मतलब रिलीजन के नाम पे तुम ये चीज कर रहे हो तो यार औरत को तो देवी का वो दिया गया हमारे उसमें तो तुम नहीं ये क्या कहना ना कि वैलेंटाइन डे बाहर मत निकलो भाई तुम कौन हो रहे कंट्रोल करने वाले? मैं बता रहा कौन है जिन्हें घासमिन डालती जिनके इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम यूजर लिखा हुआ जो भी नहीं होते हाय बेबी डव खाते नाश्ते में डव खाती हो गए यही। मतलब मैंने अपने साथ के लड़के देखे हैं ये काम करते हुए जिन्हें लड़की थूकती थी ना जिनके मुंह पे वे काम करते थे कृपया करके सब ना करें। मतलब मुझे तो अच्छा फील हो यार अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से किसी के साथ घूम रही और वो अच्छा फील कर रही है वो अच्छा फील करा रहा तो बहुत अच्छी बात है। हमारी अपब्रिंगिंग ठीक रही है क्या रहा हमने तो कभी इस चीज को
पहले प्रमोट करा ना सपोर्ट करा ना कभी भाई ना तो मैंने कहता मनाओ और ना मैंने कहता कि छोड़ दो अगर कोई कर रहा तो एंजॉय करन दो उसे यार। मैंने इवन खुद बचपन से एक भी बार कुछ ऐसा सेलिब्रेट नहीं किया बल्कि मुझे बड़ा अच्छा लगे मतलब ऐसे देख कर तो अच्छा लगे कोई आदमी इतने प्योरली किसी को यूं कह दे कि यू आर माय वैलेंटाइन और चलो घूमने चलते हैं। आजकल तो हुकअप कल्चर है मार पिटाई है चीट कर रहे लोग एक दूसरे को अगर सामने से कह के चल रहे तो भाई बड़ा रेयर है एंजॉय कर अंदर लोग यार। आजकल तो मुझे कपल्स को देख के जलस ही होने लगी सही बताऊं तो घूम फिर के वही बात कर नहीं मतलब नियाल अच्छा ओपिनियन लेंगे नियाल नियाल जैसे वैलेंटाइंस डे पे जो कपल जैसे बाहर घूमते हैं बहुत लोग हैं जो इन सबके खिलाफ हैं यूं कहें कि मारो पिट्टो भगा दो अगर ऐसा कोई दिखे तो इस चीज के सपोर्ट में अगेंस्ट है। मैं इसमें सबका अपना अपना है जिसको जो करना है करो बस 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 यही सुनना था मतलब अपनी अपनी चॉइस है ना अगर कोई बैठा बैठे रहे दो बस ऐसा है कि पब्लिक में ऐसी कोई आपत्ति है ना घर कर मत करो जिसकी वजह से दूसरा अनकंफर्टेबल नहीं वो तो खैर अलग ही चीज होगी बट मैं कह रहा कोई वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहा उनकी खुशी है तो मनाओ। रे तू क्या कह कोई वैलेंटाइन डे अगर सेलिब्रेट कर रहा मान ले हमारे सोसाइटी में भी तुझे दिख जाए कोई कपल तू उस चीज के फेवर में अगेंस्ट में न्यूट्रल है क्या है कोई भी ऐसे नॉर्मल आते हैं मतलब कुछ तुझे ऐसा लगे कि हमारे कुछ सेल्फ बिलीफ है उसके कुछ अगेंस्ट है किसी को हर्ट नहीं कर रहा कोई आदमी कोई दिक्कत नहीं। और अगर तुझे मैं दिखूं किसी लड़की के साथ कैफे पे बैठे हुए ऐसा हाथ पकड़े हुए फिर दिक्कत पहला पटवा तेरे तो बुज़ देंगे तेरे तो मारेंगे सारे कपल को छोड़ के तुझे जरूर उठक बैठक करवा दूंगा। मैंने यार वीडियो देखी थी बहुत पहले यार बड़ा डिस्टर्बिंग सा फील हो वो सब देख के ना लड़की कह रहे लड़के कंधे बैठर फिर उठक बैठक लगाओ यार कितना एम्बैरेसिंग होता है मतलब कितना अजीब लगे लाइफ ना भूल आदमी वो चीज अगर जिसके साथ कर दी और वे आदमी करवा रहे हो काम जिन्हें सालों को माँ से भी प्यार का मतलब नहीं पता अपनी जो घर पे माँ को माँ बहन की गाली देके निकले हैं। सटीक एग्जांपल दे रहा तुझे मैंने ऐसे लड़के देखे जो अपनी माँ तक की अपने बाप को गाली देते थे जो हमारे बैच वे यूं कहते हैं हमारा कल्चर खराब कर रहा वैलेंटाइन डे। हमारे बैच में हमारे साथ में बैठने वाले लड़के थे जो इस काम को किया कर रहे थे और भाई वही है लड़कियों को स्कूटी पर छिड़क रहे थे गुड मॉर्निंग मैडम जी वही तो दिक्कत है वही तो दिक्कत है ना जब तक दूसरा करे तब तक तो वे वैसे रहेंगे परेशान अब खुद ऐसे होमे थे लड़के अब भी हैं वही हैं वे सेंट बॉब्स एंड भाई देख अपने कल्चर रिलीजन और देश के नाम पे किसी भी देश में हो रहा हो वही आदमी रोक टोक करे जिसे खुद नहीं मिलता वो आदमी रोक टोक मचावेगा खाने के नाम पे पहनने के नाम पे मतलब जिसकी खुद की बुद्धि खराब होगी ना वो दूसरे कपड़ों में कमी निकाल लेगा। मतलब मैं भी ये एक वीडियो में बोल चुका था कि यार नॉर्मल सड़क पे लड़की बिकनी में और बीच पे कहीं साड़ी में जी भी लगेगी वो ना कि एक जगह का पहनावा हो बट वैसे लड़की कुछ ही पहन के घूम रही हो यार कोई बिकनी में घूम रही हो कोई नॉर्मल घूम रही हो अगर आपके दिमाग में नहीं ना वो चीज आप नोटिस भी नहीं करने के क्लब में लड़कियां हर तरह के कपड़े पहने गए हैं आपके दिमाग में ही वो बदबू है आप वो ट्राई करना चाह रहे हो वो करना चाह रहे हो लड़की भाव नहीं दे रही तो आपको समझ आप ऐसा बोल लोगे ऐसे लड़के बोल भी दे या तो चार ही अटेंशन तभी तो उसके दिमाग में वो बात है क्योंकि उसे मिल नहीं रही अगले को। एक बात बताओ यार अटेंशन तो हर आदमी को चाहिए किसे नहीं चाहिए अटेंशन हर कोई दूसरे के लिए कर रहा सामने वाले के लिए अगर मुझे किसी से अटेंशन ना चाहना मैं नंगा रह लूंगा। एक ह्यूमन नेचर है कि भाई आदमी को सामने वाले की वैलिडेशन से ही अच्छा लगे तभी तो वो अच्छी घड़ी अच्छे कपड़े अच्छा फोन सोशल मीडिया बनाई सोशल मीडिया इसीलिए पूरे उस पर बेस्ड है तो तुम ऐसा कैसे कह रहे अगर तुझे ऐसा लग रहा है कि लड़की अटेंशन के लिए जा रही है तो लुंगी में चला जाना क्लब में फिर लुंगी में हेड पहन के चला जाती ठीक है। मतलब अगर भाई कोई लड़की अच्छी दिख रही है अट्रैक्टिव दिख रही है और वो कोई कपड़े कैरी कर पा रही बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस हो हाँ, वही तो कहना चाह रहा मैं अगर मुझे मैं लड़की हूँ ना इस टाइम इसी सोच के साथ वन पीस मिल जा मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं मैं कैरी कर लूँ लड़की तो एक तो कॉन्फिडेंस से जाओगी मतलब उसे खुद को कुछ नहीं हो रहा लेकिन दूसरे तुम कह के उसे जो फील करवा दे रहे वो दिक्कत है ना इस ये वन पीस कैसा होगा इसमें बेल्ट होगी तीन बहुत बड़ी बात है कि कोई अपनी बॉडी फिगर के साथ बड़ी कॉन्फिडेंट है अच्छे से कैरी कर रही है मतलब हमारे तो कपड़े ऐसे ही कि साला अगर हमारे यहाँ से रिवील हुआ करता तो साली टेंशन इसे पहले पता लगाने की होती रिवील तो इस बात में करते ना आज तो डीएम फुल हो गया यार ये तो है लेकिन ये तो है लड़कियां कॉन्फिडेंस तो कैरी कर सके मुझे कब कैरी करेंगी अब मैं सोच रहा है कि मैं भी कॉन्फिडेंस ले लूं कि लड़कियों को अप्रिशिएट करना शुरू कर दूं गया यू आर लुकिंग गॉर्जियस अच्छा या वो करे गाड़ी साइड में लगा के बैठ लो जी वो सही शब्द मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था क्या बोला आपने फ्रस्ट्रेशन ये फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है अपनी
बात आओ निहाल साहब ने दिया बिल्कुल सही शब्द। जो फ्रस्ट्रेटेड हो ना अपनी लाइफ से और अपनी माँ बहनों को, ये नहीं पता था कि ये जो ग्रुप हो है, मैं सोचता था ये किसी और काम के लिए हो, ये इनका सेकेंडरी काम हो। नाम गंदा कर रहे अग फले दल से डिमगाने से, कोई दल की कोई ऐसी वो नहीं होती, ये सब अब इंडिविजुअल है, जिसकी बुद्धि चल रही ना अपनी अपनी चल रही है, खुद कर रहे एक ही पर्टिकुलर लड़की के पीछे उसके बॉयफ्रेंड के पीछे जाए, यही तो मोटिव है मेनली। तो अब मैं तुझे बता रहा ना एक चीज बता रहा था मैं कि हमने मतलब ये भी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा, जिस लड़के की सोच घटिया हो ना वो अपनी बहनों पर भी पाबंदी लगा होगा, अपने घर की सभी अपनी वाइफ पे भी लगा देगा, अपने घर की सभी लड़कियों पे। और जो लोग खुले विचारों को ना मतलब जिसे फर्क नहीं पड़ता उनके घर में सब लेडीज सब लड़कियां हाँ इंजॉय करें, क्योंकि उसके दिमाग में नहीं वो वैसा नहीं ना अगर मैं छेड़ूंगा जॉब पे जाएगी तो मैं छेड़ूंगा, आधे लड़के हो ना जॉब नहीं करनी जॉब वाली लड़कियां ऐसी हो, क्योंकि खुद वो वैसा आदमी ना। आज मैंने बहुत ज्ञान की बात की, नहीं आसपास वाले लोगों को खुलासे मार दिए, मुझे ऐसा लग रहा तुमने मेरे पे एक्सपोज होना क्या मतलब अक्षय भाई तुम्हारी घरवाली जॉब करेगी? भाई सुनो बिल्कुल भी जॉब वाली लड़की से जो नौकरी करने वाली लड़की से शादी नहीं करनी, ये सब वीडियो में जा रहा किचन इज इक्वल टू वुमन, औरत को घर पे रहना चाहिए और दहेज लाना चाहिए, किचन का लॉकर रहना चाहिए, वो भी है सही बात है बिल्कुल। मतलब अगर बाहर का आदमी उसका मुंह देख ले ना तलाक दे दो तुरंत। एक बात याद रखिए, विमेन डिटेक्टेड ओपिनियन रिजेक्टेड। ये वैलेंटाइन वाली हमने सही बात कर दी, अब क्या होगा कि थोड़ी विमेन फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी हमारी। हाँ इससे मतलब ज्यादा लोग देखेंगे, डीएम में लड़कियां आएंगी ठीक है, तो फिर आप मैनिपुलेट कर सकते हो सबको। हाँ, सारी लड़कियों को तुम सूट सलवार बना सको और अच्छी जगह गाँव में उनके रिश्ते करवा सको। तुम अच्छे मैनिपुलेटिव लग रही है, मुझे तुमने मैनिपुलेटिव करके मेरी तरफ लिया सारी लड़कियां। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही अच्छे थॉट्स के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करके रखें, 400 के करा दें, फिर हम और अपनी फिर हम औरतों के अधिकार के लिए लड़ेंगे।